नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 17 अप्रैल सोमवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट दी रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सीएम अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, अब फरार कुख्यात जो अपराधी होंगे उन पर 5 लाख का इनाम। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपराध पर रोकथाम लगाने की मंशा से अपराधियों पर इनाम राशि में वृद्धि कर दी है। डीजीपी अब ऐसे फरार अपराधियों पर 5 लाख रुपए तक, एडीजी अपराध पर 1 लाख और पुलिस रेंज आईजी 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर सकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक जिला पुलिस अधीक्षक 25,000 रुपए तक इनाम की घोषणा कर सकते हैं। सीएम गहलोत ने शनिवार को कानून व्यवस्था की बैठक से दौरान ये निर्देश दिए थे। इस निर्णय से आमजन की मदद से कुख्यात अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो पाएगा। मैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है राजस्थान की। वंदे भारत में सीटें हुई फुल, अब तक 5,000 लोगों ने किया सफर। राजस्थान की पहली वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन इन दिनों पूरे चर्चाओं के मोड में है। 4 दिन से ट्रेन पूरी तरह से भरी हुई नजर आ रही है। इस ट्रेन का व्यावसायिक संचालन शुरू है तो इसके बाद लगातार ही यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। इससे पहले दिल्ली के लिए जयपुर से संचालित होने वाली डबल डेकर ट्रेन यात्रियों की पहली पसंद थी। वंदे भारत में पिछले 3 दिन में 5,000 से ज्यादा लोग सफर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार इसके संबंध में पोस्ट कर रहे हैं। इसके चलते वंदे भारत ट्रेन का काफी प्रसार हो रहा है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आकातीस से शुरू होगी शादियां, सिर्फ 15 दिन होंगी शादियां। प्रदेश में आकातीस के बाद मई की पहली तारीख से ही शादियों की सीजन शुरू हो जाएगी। ये 2 महीने तक चलेगा। ज्योतिष मुखी श्री माली ने बताया है कि 15 मार्च से, अब बता दें कि गुरु ग्रह के अस्त होने के कारण शादियों के शुभ मुहूर्त नहीं थे, अब मई की शुरुआत में शादियों के शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाएंगे जो कि 15 दिन बने रहेंगे। मई में 1, 2, 3, 10, 11, 20, 21, 30 और 5, 6, 7, 11, 12, 22 और 23 तक 7 सावे हैं जो जून में है। ये तिथियां हैं जो हमने आपको बताई हैं जिनमें सावे हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, यूपी में माफिया अतीक अहमद हत्याकांड मामले पर सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान। उत्तर प्रदेश में शनिवार रात माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारने की हत्या किए जाने के मामले को लेकर जहां यूपी में सियासत उबार बने, तो वहीं इस मामले में अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में जो कुछ हो रहा है उसे देश की जनता देख रही है, अगर कानून का राज ही नहीं रहेगा तो ऐसी घटनाएं होंगी। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बेकाबू हुआ कोरोना, 3 की मौत। राजस्थान में कोरोना संक्रमण एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। प्रदेश में लगातार संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। रविवार को प्रदेश भर में 422 नए केस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 104 संक्रमित मरीज जयपुर में हैं, जबकि 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश भर में संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 2340 पर पहुंच गई है। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष की 13 जिलों में सफाई की चेतावनी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर नहीं करने पर 13 जिलों के स्कूलों में दिक्कत होने की चेतावनी देते हुए शिक्षा मंत्री पर तंज कसा है। डोटासरा ने सीएम गहलोत और शिक्षा मंत्री बीडी कला से कहा है कि आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन थर्ड ग्रेड टीचर्स की समस्या का समाधान भी कर दीजिए, ये काम नई भर्ती से पहले कीजिए। अगर इनके तबादले नहीं किए तो 13 जिलों में एक भी नहीं आएगा, आपके और मेरे कपड़े फाड़ेंगे। डोटासरा रविवार को जयपुर के राजस्थान कॉलेज में राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ के सत्कार कार्यक्रम में ये बात कह रही थी। मैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सबसे अहम खबर आ रही है, बीजेपी ने विधायकों से अब तक पैसे वापस नहीं लिए। गहलोत बोले, यूपीए राज होता तो गजेंद्र सिंह जेल में होते, हम इन्हें अंदर कर देते। राजस्थान के सियासी संकट को याद करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोदी और अमित शाह का मॉडल चुनी हुई सरकारों को गिराने का है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ, राजस्थान में भी सरकार गिराने की भरपूर कोशिश हुई। हमारे विधायकों को जो पैसे दिए गए थे वो अब तक वापस नहीं लिए गए हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। गहलोत रविवार सुबह राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कार्यक्रम में ये बात शामिल होने का मीडिया से कर रहे थे। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, धमकी के एक दिन बाद हमला, दिव्या मदेना ने किया ट्वीट, पुलिस ने बचाया वरना भगवान के पास होती आईसीयू में। ओसीएस से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना ने रविवार को एक बार फिर सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने 2 वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि एक दिन पहले यानी 10 अप्रैल को उन्हें धमकी मिलती है और 11 तारीख को उन पर भोपालगढ़ में जानलेवा हमला होता है। पुलिस ने सजगता दिखाई और मैं बच गई, वरना अभी भगवान के पास होती, नहीं तो पक्का आईसीयू में जरूर होती। दिव्या मदेना के इस ट्वीट के जरिए फिर से हमलावर होने में कांग्रेस की अंदरूनी कलह एक बार फिर से सामने आ गई है। उन्होंने साफ तौर पर पाली के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर,
सबसे अहम खबर आ रही है मौसम विभाग की चेतावनी। राजस्थान के 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 9 जिलों में गर्मी के तीखे तेवर। पिछले करीब एक पखवाड़े से राजस्थान के बदलते मौसम ने लोगों को हैरत में डाल रखा है। हालात ये हैं कि सिलसिलाती धूप में अचानक बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी है, तो कुछ घंटों बाद सूरज तीखे तेवर दिखाने लगता है। मौसम विभाग द्वारा मिल रहे अपडेट से आने वाले 18 और 19 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से झमाझम होने के आसार बने हुए हैं। इधर लगातार बढ़ते तापमान की वजह से प्रदेश में गर्म मौसम अपना प्रचंड रूप दिखाने में लगा है। आपको बता दें कि आगामी 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। टोंक में फिलहाल 16 से 20 अप्रैल तक मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। इसके अलावा राजस्थान के सभी जिलों में 17 से लेकर 20 अप्रैल तक कहीं ना कहीं मेघ गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। मैं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 60 दिन है नहर बंदी, जल का सदुपयोग करने का आग्रह। इंदिरा गांधी नहर के वार्षिक रखरखाव के लिए जल संसाधन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 60 दिन की नहरबंदी रखी गई है, जिसके प्रथम चरण में 26 मार्च से 24 अप्रैल तक के दौरान जल संसाधन विभाग की ओर से आंशिक नहरी पानी की आपूर्ति की जा रही थी। एवं आपको बता दें कि 25 अप्रैल से 2023 से 24 मई 2023 तक पूर्णतया नहरबंदी रखी जा रही है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सीएम गहलोत ने दी हिस्ट्री सीटरों को चेतावनी, सरेंडर कर दो वरना उनका भी हाल यही होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गैंगस्टर और माफियाओं को चेतावनी दी है कि वो खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर दें वरना उनको हाल भी वही होगा जो बाकियों का हुआ है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान पुलिस के स्थापना दिवस समारोह के दौरान ये बात कह रहे थे। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 8 दी रेट 10 बड़ी खबरें।